देश भर के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी और 9 राज्यों की एटीएस टीम साथ मिलकर कर रही है। कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी कई ठिकानों पर छापेमारी करके लगातार लोगों को हिरासत में लेने का काम जारी है। इसी गिरफ्तारी के विरोध में पिछले दिनों पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें तथा कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। प्रशासन इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पीएफआई को बैन करने की फुल मूड में है, इसलिए कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने दिल्ली के शाहीन बाग में भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी करके 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6 और असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 9 राज्यों की एटीएस एक साथ एक्शन में है और अलग अलग राज्यों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं किस राज्य में कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की औरंगाबाद से 8 और ठाणे से 4 की गिरफ्तारी। असम से पीएफआई से जुड़े 25 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के 3 शहरों से 16 की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 22 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली के शाहीन बाग से 30 लोगों की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार ये गिरफ्तारियां छापों के दूसरे राउंड में की गई हैं। वहीं पहले राउंड के छापों के दौरान कुल 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 3 और राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी। आपको बता दें कि पकड़े गए लोगों के पास से मिले दस्तावेज बयां कर रहे थे कि वह हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना चाहते थे। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना है। इस दस्तावेज में ये भी लिखा है कि 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटनों पर ला देंगे। इसके लिए इनके पास 4 लेयर का पूरा प्लान है। बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को बिहार शरीफ में अतहर परवेज को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वह पहले प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का सदस्य रहा है। उसने वहीं किराए के मकान में कई राज्यों से आए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पीएफआई के ठिकानों पर क्यों छापा मार रही हैं। वैसे इस छापेमारी और गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।